चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सारी चीज़ें देखेंगे अपन जीव विज्ञान का। घटना चक्र का जो है लेटेस्ट 2021 का बुक है ये। पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन, जंतु विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन का सी, जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की जो है जनक है अरस्तु है। नेक्स्ट इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो पक्षी के बारे में हम बात करते हैं, तो पक्षी अनर्थ हो रहा है जी, पक्षी मर रहा है तो अनर्थियोलॉजी। वंशागति में हम लोग जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण में हम लोग इकोलॉजी में जो है पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म में जो है पहली बायोलॉजी हो जाएगा आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 3, B का 4, C का 2 और D का 1। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 बी करेक्ट आंसर। पक्षी के बारे में क्या जानेंगे, पक्षी अनर्थ हो रहा है, पक्षी सब मर रहा है, अनर्थियोलॉजी। वंशागति जेनेटिक्स, इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म में पेलियो बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला फूलों का अध्ययन को कहते हैं तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी, क्योंकि एंथनी साहब को पुष्प पसंद है। और फ्रेनोलॉजी में हम लोग मस्तिष्क के विभिन्न भागों का जो है अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉमी, ग्रो मतलब घास, ग्रास हो जाता है और घासों से संबंधित है। और पेलिनोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो एंट का मतलब चींटी होता है, चींटी का मतलब कीट मान लीजिए, तो एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। 4 का भी करेक्ट आंसर। इक्थियोलॉजी जो है मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो एक दो हमको मछली नहीं चाहिए, तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पैरासीटोलॉजी की बात करेंगे तो पैरासीटोलॉजी जो है पौध से पैरासीटोलॉजी और पौध से परजीवी, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेलकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, एम्बोलक्सा और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, यानी सेल का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। इकोलॉजी में हम लोग सजीव पर उनके चारों पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिक जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा उनके वंशावली का अध्ययन किया जाता है। और जनांकिकी या जनसंख्यिकी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में मानव जनसंख्या का, मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी में जो है वायरस का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, 6 का C जनांकिकी। 7वां नंबर पर है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 के इथियोनोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए इथिनोलॉजी में विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिकों और विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इथिनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स में जो है नैतिक आचार कर्तव्य के मानव वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान की मशीन जगत के उपयोग करके क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स। 8 का ये। अब देखिए बायोनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जीव जगत के होने वाले कार्य एवं गुण पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग करते हैं। बायोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जीवधारियों के उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन। बायोनॉमी जो है जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी तकनीकी के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन।
वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नौ का ये जंतु जीवाश्म का, तो ये आपका नौ का ये नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली वनस्पति के अंतर्गत क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं ये देखिए। तो पहली वनस्पति के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहली वनस्पति के अंतर्गत क्या करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या करते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, प्रोफेसर बीरबल सहनी को, प्रोफेसर जो है बीरबल सहनी, जिनको भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन पैलो को बॉटनी कहा जाता है, रेशम कीट का अध्ययन या पालन को क्या कहते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेरिकल्चर। एपी कल्चर जो है, ए पी पी शहद पी, ए पी जो है शहद से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर जो है पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन, और फ्लोरिकल्चर जो है सजावटों के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, मधुमक्खी का अध्ययन। एपी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। इसमें फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी भी सही है, जबकि सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं। सब्जी की खेती क्या बोलते हैं, और कितना सब्जी चाहिए, ओरेली कल्चर कहा जाता है। ओरेली कल्चर यानी सी का जो है ओरेली कल्चर होगा आपका, तो सी गलत है, ठीक है। अगला 13 नंबर देखिए कि सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 13 का डी ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। एपी कल्चर शहद का, ठीक है। सेरिकल्चर से री, री से सिल्क आ जाएगा या रेशम आ जाएगा, सही है। हॉर्टिकल्चर फूल भी सही है, लेकिन पीसी कल्चर जो आपका मत्स्य होता है तो ये जो है गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर से, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है, तो इसका जो सही है आपका लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन 5 का ये सही है, ठीक है। अब देखिए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन किया जाता है इसमें। फिलोलॉजी जो है भाषा के संरचना में विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, और आइकोनोग्राफी में जो है प्रतिमा और चित्रकलाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो शब्दकोश के संयोजन से 16 का भी विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित की जाती है, अंगूर 17 का डी। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वो अर्थवर्म होता है, याद रखिएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है, हम वर्म को केचुआ भी कहते हैं। तो 19 का डी। जेरेंटोलॉजी जो है क्या चीज़ से संबंधित है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जीरो हो गया, वह वृद्ध हो गया। जेरेंटोलॉजी 20 का डी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो 21 का डी, अनुवांशिकता और विचरण का। वृद्धावस्था एवं काल के प्रवाहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि 22 का बी, जेरोन्टोलॉजी। जीन वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, 23 का ए, जेरोन्टोलॉजी।
पेट्रोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। 26 का बी मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन और विज्ञान की शाखा के अंदर किया किया जाता है। तो 25 का ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी की बात की जाएगा तो ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में जो है सीरम वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है, रुधिर सीरम वैज्ञानिक का। जियोलॉजी जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना है, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 26 का डी ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। 27 का ये सर्पेटोलॉजी। निम्न में से किस एक बीमोल को ज्ञात कीजिए? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो है उसमें बीमेल है आपका साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, अलग है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब होता है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पादप संवर्धन। 29 का यह। अगला देखिए जैव विकास के बारे में। एक नंबर में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थे? तो आदिम पृथ्वी के मंडल में अनुपस्थित थी जो है सबसे पहले, तो ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित था। ठीक है, वन का से। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थे। वर्तमान परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितना वर्ष पूर्व हुआ? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। 2 का डी करेक्ट आंसर, 2 अरब वर्ष पूर्व है, तो 2 का डी। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन था? 3 का ये नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल का प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगे, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो पहल का जीव जो है नीलहरित शैवाल ही था। इसने क्या किया, भोजन बनाना स्टार्ट किया, और भोजन बनाने की वजह से जो है इसका ऑक्सीजन जो है स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ तो अन्य मनुष्य जो है या जंतु है वो मतलब डेवलप हुआ। ड्रविन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये सभी पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरियंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 4 का डी। तो देखिए चार्ल्स ड्रविन कहाँ के थे? इंग्लैंड के जो विकासवाद थे, और ड्रविनवाद को जो है हम लोग प्राकृतिक वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस भी कहते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा था आपका डार्विन ने लिखा था। ठीक है, अगला देखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो विकास कौन करेगा? चार्ल्स करेगा, चाइल्ड करेगा, बच्चा करेगा, तो चार्ल्स डार्विन। जैव विकास ने सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने। 7 का डी। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? लैमार्क के बारे में और चीज़ देखिए कि जैव विकास का परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव विज्ञान जीन बेप्टिस्ट लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक था
फिलोसफी जूलॉजी जो है लैमार्क का ही बुक है। इसमें लैमार्क का सिद्धांत उपासलिक लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनहेरियंस ऑफ एक्वाइर्ड करेक्टर्स कहते हैं। तो लैमार्क ने क्या दिया था? फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक है उनका, और थ्योरी ऑफ इनहेरियंस एक्वाइर्ड करेक्टर्स भी दिया था, यानी उपार्जित लक्ष्यों का वंशागति लैमार्क ने दिया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्ट कडी, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं मैच्युएशन थ्योरी को भी हम बोल सकते हैं, मैच्युएशन थ्योरी। वो मिलाने के लिए बोल रहा है, देखिए। विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, एक जीन एक एंजाइम। तो ए का जो है चार है और बी का तीन, और सी का जो है एक जीन एक एंजाइम के प्रकटना जो है बीडल और टैटम ने दिया था, अब और ओपेरन अवधारणा जो है जेकोबर मोनार ने दिया था। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी नंबर, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना जो है बीडल और टैटम, और ओपेरन अवधारणा जो है जेकब और मोनार्ड ने दिया था। विकास का मुख्य कारक है तो प्राकृतिक वर्म, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, 11 का यह। भारत की विशाल वन बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह विलुप्त हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज था क्रोमैग्नन मानुस, यानी करेक्ट आंसर बी। या होमो सेपियंस भी नाम से भी जानते हैं। चलिए, शब्द डेनिस सोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? क्या है डेनिस सोवन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आदि मानव जाति और स्पीसीज के बारे में, करेक्ट आंसर बी। डेनी सोवन जो है एक आदि मानव प्रजाति थी। क्या था? डेनी सोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। आर्कियोप्टेरिक्स है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। से क्योंकि सर्वप्रथम पक्षी 15 का है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है आपका सरीसृप और पक्षी के बीच के जो है योजक करी है, 16 का भी। मैमज पर्व थे, तो मैमज पर्व जो है आपका हाथी का, 17 का डी। डायनासोर थे, ये हमेशा जो ही का सरीसृप, 18 का डी। डायनासोर रहे, 19 का सी, मेसोजोयिक। जीव के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास के संदर्भ में आपका सही है सी, सलामेंडर अजगर कंगारू। अगला देखिए, वर्गीकी के बारे में देखेंगे। देखिए कवक के बारे में बात करते हैं, तो कवक जो है फंगी यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय ईस्ट और मशरूम होता है, ठीक है।
पादप जो है स्वपोषी उत्पादक, जिसमें पादप में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जंतु या एनिमेलिया वर्ग की बात करेंगे तो सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकों, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ठीक है। कशेरुक में क्या आ जाता है? मत्स्य हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अकशेरुक में पॉलीफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेज, निमेटोडा और एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, संघ के जीव, ये अकशेरुक में आ जाता है आपका। प्रोटिस्टा जगत में बात करेंगे तो यूकेरियोटिक जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय, अधिकांशतः शैवाल, संघ प्रोटोजोआ। मोनेरा में जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव और माइकोप्लाज्मा जीवाणु आता है। फिटकर को पांच जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान किया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? करेक्ट आंसर कीटों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अमीबा जो है विभाजन द्वारा जनन करती है, सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण करता है, अमीबा जो है विभाजन द्वारा ही जनन करता है और सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो ए और आर दोनों सही है, ये करेक्ट आंसर। तीसरा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम, गर्म ब्लडेड यानी बोल रहा है गर्म रुधिर वाला, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, करेक्ट आंसर से। तो समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर के सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी आ जाता है और स्तनधारी आ जाता है। क्या क्या? पक्षी, स्तनधारी। असमतापी की अगर हम बात करेंगे तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप जो है असमतापी के अंतर्गत आ जाता है। क्या क्या? असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं, ठीक है, जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मनुष्य भी आ जाएगा असमतापी के अंतर्गत, लेकिन समतापी के अंतर्गत आपका पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। समतापी के अंतर्गत क्या आता है? पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। तीन में से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उपास्थी मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, सही है। अस्थिल मछलियों में वताशय आमतौर पर विद्वान होते हैं, अस्थिल मछलियों में वताशय होता है, ये भी सही है। गोल कृमि में कोई प्रसंस्करण तंत्र नहीं होता, ये भी सही है। सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, ये जो है आपका गलत है, यानी चार का ये करेक्ट आंसर है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा मछली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच का ये स्टार फिश मछली नहीं है। तो देखिए कुछ जंतुओं के नाम जो है मछली से मिलते जुलते हैं, परंतु जैसे जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब मछली नहीं है। क्या है? जेली, जेली जो है नहीं है, स्टार नहीं है, सिल्वर नहीं है, कैटल नहीं है आपका, हेग भी नहीं है, रेजर नहीं है, क्राई, ये सब जो है फिश की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली आपका कैट फिश, ठीक है। निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो करेक्ट आंसर डी, सात का डी। निम्न में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है, आठ का सी। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? नौ का ये ह्वेल मछली। ह्वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का स्तन प्राणी है? तो ह्वेल स्तनपाई के अंतर्गत आ जाता है, दस का बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई है? ह्वेल जो है स्तनपाई आ जाता है, जबकि शार्क, ऑक्टोपस, स्क्विड स्तनपाई नहीं है, तो 11 का करेक्ट आंसर डी।
निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली ह्वेलों में विशालतम है? दांत वाली बोल रहा है कि जिसके पास दांत होता है ना, दांत वाली ह्वेल में विशालतम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पर्म ह्वेल। स्पर्म ह्वेल विशालतम दांत वाली ह्वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म ह्वेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेडिना। एकेडिना सिर्फ अंडे देता, सीधे बच्चे नहीं देता। तो कंगारू नहीं होगा आपका, ह्वेल नहीं होगा, सही नहीं होगा। एकेडिना जो है अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। तो एकेडिना प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। बीबीए मारिएगा कि एकेडिना जो है आपका एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। ठीक है, उड़ने वाले स्तनपायी कौन सा होता है? उड़ता है वो। 14 कटी चमगादड़। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता, याद रखिएगा। चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। तो मतलब एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है वो जो आपका चमगादड़ ही है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ है। निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री गाय और समुद्री सी जो है 1 और 3, ये स्तनधारी होता है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार का कशेरुकी मछली होता है। समुद्री सी भी एक स्तनधारी है। अगला देखिए कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है आपका स्तनपायी जाति का है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो कि गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी जो है ऑटर है, जिसको हम लोग उदल बिलाव के नाम से भी जाना जाता है। नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर या उदल बिलाव। 19 का सी, उदल बिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु है। उदल बिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु है एंड मैमल्स है। एम्फीबिया बताता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जल एवं मसल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं का। ठीक है, एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं मसल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानरों से गुणों से पृथक करता है? 21 का ये जानने की इच्छा प्रकट करना। निम्नलिखित में से कौन सा कपि नहीं है? तो लंगूर एक कपि नहीं होता है। ठीक है, कभी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जाति हुए कहा जाता है। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है, गोरिल्ला मनुष्य और ओरंग उटान है। तो गोरिल्ला जो है मनुष्य और ओरंग उटान है। लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। तो लंगूर जो है बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर सी, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो मानव के सदृश लघुत्तम कपि आपका गिबन है। 23 का यह, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो नीलगाय हिरण कुल में आती है। तो नीलगाय भारत में पाए जाने वाला विशालतम मृग प्रजाति का है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंह होते हैं। ठीक है, अगला 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं?
खुर नहीं पाया जाता है आपका गीदड़ में। गीदड़ को छेद करके सभी खुर वाले पशु होते हैं। गीदड़ जो है कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। समानता गीदड़ का वैज्ञानिक नाम जो है कैनिस ओरियस है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृद कवची मोलस्का होता है। ठीक है, 26 का डी। एक चीज़ और देखिएगा कि ऑक्टोपस को जो है हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोलस्का या मृद कवची जंतु है। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी। 27 का बी स्क्विड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य तीन वर्ग का नहीं है? तो आपका केकड़ा इससे रिलेटेड नहीं होगा। 28 का ये केकड़ा जो है मोलस्को मोलस्का स्ट्रेक्टा जो है उसमें आता है। बरूथी के वर्ग की अगर हम बात करेंगे, बरूथी के वर्ग क्या है? एरेक्निडा। नाम भी बहुत अजीब अजीब है। बरूथी का वर्ग जो है एरेक्निडा के अंतर्गत आता है। बिच्छू एरेक्निडा के अंतर्गत आता है। मकड़ी एरेक्निडा के अंतर्गत आता है। लेकिन केकड़ा जो है आपका वो अलग हो जाएगा, क्योंकि केकड़ा जो है मेलोको एस्ट्रेका के अंतर्गत आता है। व्हाइट लेन हार्न एक किस्म है। 29 नंबर। व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है। तो व्हाइट लेग हार्न जो है कुकटों की किस्म है। करेक्ट आंसर सी। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। 30 का सी कीट। मकरीवंशी होते हैं। सॉरी, टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकरीवंशी होते हैं। जुगनू होता है। 31 का बी कीट। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट की श्रेणी में आपका मकड़ी नहीं आता। 32 का भी। मकड़ी एरेक्निडा तथा क्रेम एरेनी का एक जंतु है। कीट वर्ग को जो है हम इंसेक्टा के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद लेग पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों के विशिष्ट गुण हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इनमें 8 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो है 8 पाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो क्योंकि मकड़ी में जो है बी नंबर 8 टांगे पाई जाती है। तो 33 का भी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? चौंतीस नंबर कौन कीट नहीं है? 34 का डी मकड़ी। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ब्लड बोल रहा है कि रक्त जो है उजला होता है। तो मच्छर से तो ब्लड निकलता है, खटमल से भी ब्लड निकलता है, आपका छिपकली से भी ब्लड निकलता है, लाल ही निकलता है। तो तिलचट्टा जो है तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। 35 का भी। जब चींटियाँ काटती है तो अंतःक्षेपित क्या करती है? फॉर्मिक एसिड जो है करता है, जिसकी वजह से जलन होती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ी जो उत्पादित रेशम उत्पादित करता है उसको क्या कहते हैं? उसे गौसिमर रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौसिमर रेशम। चलिए, 38 नंबर में है कि फीता कृमि उभयलिंगी होते हैं। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है और गिनी कृमि जो है एनलिड है। तो इसमें कौन सा जो है सही है, विचार कीजिए। तो देखिए, फीता कृमि जो है उभयलिंगी होता है। टेप वर्म क्या होता है? कि उभयलिंगी होता है, सही है। गोल कृमि में अलग अलग सेक्स होते हैं, ये भी सही है आपका। फाइलेरिया जो है नेमाटोड होता है, ये भी सही है।
गिनी क्रीमी एनल ईडी बोल रहा है, तो जो कि गिनी क्रीमी जो है एनालिड, क्या एनालिड नहीं होकर के ये भी नेमाटोड होता है। क्या होता है? नेमाटोड होता है। नेमाटोड का मतलब सूत्रकृमि। तो गिनी क्रीमी गलत है, यानी ऊपर का तीन सही है, चौथा जो है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉक्ट्यूर्नल। तो रात्रिचर का मतलब समझते हैं। देखिए रात्रिचर का मतलब वो होता है कि जो दिन में आराम करता है और रात में काम करता है। आजकल स्टूडेंट भी जो है रात्रिचर ही हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर, चमगादड़, उल्लू। क्योंकि मच्छर भी रात में कार्य करता है, चमगादड़ भी रात में, रात में, और उल्लू भी जो है रात में। तो 39 का बी करेक्ट आंसर। साथ में जो है एक प्राणी और है जिसका नाम है कीपी, कीवी भी होता है। नेक्स्ट देखिए, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ पहला है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। केवल मादा यानी स्त्रीलिंग केवल मादा रक्त चूसती है, तो दो करेक्ट आंसर है। मादा पौधे की रस चूसती है, तो पौधे का रस कैला चूसेगा, खून चूसेगा कि पौधे का रस चूसेगा? मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। मादा की अपेक्षा जो है पुरुष यानी नर का डेने बड़े होते हैं, ये भी गलत है आपका। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो 2-5 सही है, 40 का जो है 2-5 सही है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका डी है। ठीक है अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने आत्र में जल का संग्रह कर लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊँट। ऊँट क्या होता है कि अपने जो है आत्र में जो है जल का संग्रह कर लेता है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए ही, मतलब अपने पानी स्टोर रखता है और उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। अत्यधिक जल पी करके जल संग्रह कर लेती है जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? मतलब बिना पानी पिए, पानी भी नहीं पिएगा और बहुत लंबी अवधि तक रह सकता है। तो यहाँ पे आपका बी और डी भी है, ऊँट और कंगारू चूहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा, 42 का डी। कंगारू नहीं, कंगारू का चूहा। ठीक है 42 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब मूत्र भी करेगा, पेशाब भी करेगा, तो सॉलिड करेगा यानी ठोस करेगा। तो 43 का एक कंगारू चूहा। सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां यानी डी। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से, 45 का डी, जंबिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, 46 का डी, शैलोद्भिद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट हरी पादप है? पादप यानी पौधा। तो घटपर्णी जो है कीट हरी पादप होता है, यह मांसभक्षी पौधा है, यह कीटों को पकड़ने का काम करता है। तो 47 का जो है बी करेक्ट आंसर। घटपने निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट में रूपांतरित होता है? तो घट में रूपांतरित होता है आपका पत्ता, 48 का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट किण्वन जो है आपका सही है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन होता है, कैसिन में प्रोटीन जो है, दुग्ध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। एलोरा आवृतबीजी पौधा है, लेकिन घटपर्णी जो है परजीवी आवृतबीजी बोल रहा है जो कि गलत है। घटपर्णी में जो है, घटपर्णी क्या होता है, कीटभक्षी पौधा है। यह जो है वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी है। चलिए देखते हैं घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी यानी कीटभक्षी पौधा। घटपर्णी को हम लोग नेपथिन्स के नाम से भी जानते हैं, नेपेथिन्स,
ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, सक्षम है। ये प्राय ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को जो है पचा करके करते हैं। और ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, और ये अपने भारत में जो है मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। देखिए अमरबेल जो है ताना परजीवी है, सही है। चंदन जो है जड़ परजीवी है, ये भी सही है। आर्किट अधिपादप या एपिफाइट में आता है, ये भी सही है आपका। और घटपर्णी जलोद्भिद बोल रहा है जो कि ये गलत है। घटपर्णी जो है आपका दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, कीट बक्षी पौधा है, ये वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ये कीटों को पकड़ करके जो है इसे चूस करके मतलब पचाती है, और उसी से जो है नाइट्रोजन को पूर्ति करती है। तो 50 का जो है डी सुमेलित नहीं है। तो घटपर्णी नेपथिन्स नेपथिन्स कुल का पौधा है, यह मुख्यतः शाख होते हैं, ये दलदली या अधिक नमी स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपथिन्स खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातपीय पौधा पाए जाते हैं। 51 का सी मेघालय में पाया जाता है। मेघालय राज्य के गारो खासी या जयंतिया पहाड़िया में, जो मेघालय में जो है गारो है, खासी है या जयंतिया पहाड़िया क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी खाने के बाद एकदम से तन जाता है, तन जाता से याद रखिएगा तना, हल्दी जो है तना से पाया जाता है। तो 52 का जो है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है हल्दी, डी तना। हल्दी के खाने लायक हिस्सा जो है प्रकंद कहलाता है। अगला देखिए, हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो 53 का बी प्रकंद। फलों को वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, तो लीची को ड्रूप में रखा जाता है, क्या चीज़ में? ड्रूप में। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, ये सोपे बेरी परिवार का सदस्य है। कौन सा परिवार का? सोपे बेरी परिवार का सदस्य है। और ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक शक्ति गुठली होती है। मतलब ड्रूप परिवार में क्या होता है कि बाहर में छिलका होता है, भीतर में गुद्दा होता है, और गुद्दा के भीतर जो है गुठली होता है। मतलब छिलका, छिलका के भीतर गुद्दा, गुद्दा के भीतर गुठली, उसी को ड्रूप फल बोला जाता है। चलिए 55 नंबर देखिए, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद जो है जड़ है। 55 का भी। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? जैसे करेक्ट में सर हो जाएगा डी शकरकंद। अदरक तना हुआ है, आलू तना हुआ है, गन्ना तना हुआ है, लेकिन शकरकंद जो है जड़ है। तो 56 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर में, निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक खाते हैं तो हम लोग तन जाता है एकदम से, तो अदरक जो है तना हुआ है। लेकिन शलजम जो है आपका जड़ है, गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है, यानी शलजम, गाजर और ये शकरकंद, ये तीनों जो है आपका क्या है? जड़ है। और अदरक क्या है? तना है। तो 57 का करेक्ट आंसर बी। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। प्रकंद क्या होता है? अदरक होता है। ठीक है, अस्थाबकंद जो है आलू होता है, शल्क मतलब छिलका वाला कंद जो है लहसुन होता है, और घन कंद जो है जिमी कंद सूरन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी करेक्ट आंसर। प्रकंद, अदरक,
अष्टमकंद आलू, शलकंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद या सूरन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ है आपका, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आलू। आलू क्या है? तना है, कंद है, कंद बोलिए या तना बोलिए या रूपांतरित स्तंभ। तो आलू जो है रूपांतरित स्तंभ, तना कंद तीनों है आपका, तो 60 का करेक्ट आंसर डी, आलू है। एक 61 का सी कंद, रूपांतरित तना होता है जिसे हम लोग कंद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक और उष्ट्र पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारजक साहचर्य है? तो 62 का डी, कवक मूल कहा जाता है उसे। माइक्रोराइजा एक सजीवी संबंध है, माइक्रोराइजा, तो माइक्रोराइजा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कवक और पौधे के मध्य जो है सजीवी संबंध है। 63 का सी। चौसठ नंबर देखिए, फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने नाइट्रोजन स्थितिकरण जीवाणु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 64 का जो है सी, सहजीवी। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए या नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जो है एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, जो कि सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, यहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं, यानी पौधे नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर मटर पौधा क्या है? मटर पौधा जो है एक शाक है, 65 का है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना को काट करके आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 66 का जो है बी, गन्ना के लिए। लौंग है, लौंग क्या होता है? तो लौंग एक बंद कलिया है, 67 का सी। तो देखिए, लौंग एक बंद कलिया या पुष्प कलिका होता है जिनका उपयोग भोज पदार्थों में दांत के दर्द निवारक के लिए किया जाता है। मतलब लौंग जो है बंद कलिया या पुष्प कलिया बोल सकते हैं उसे, पुष्प कलिया है जिसका उपयोग जो है हम भोज पदार्थ में या दांतों के दर्द को दूर करने के लिए यूज करते हैं। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम जो है साइजीजियम एरोमेटिकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइजीजियम एरोमेटिक, ठीक है। इसका जन्म स्थल जो है इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। एक सदाबहार वृक्ष है, क्या है यह? एक जो है सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लौंग। लौंग है 69 का डी, सूखे फल। लौंग पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त करते हैं? 70 का डी, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त करते हैं हम लोग। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, 71 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम है, केसर बीज है। तो बी नंबर तो गलत रहेगा आपका, क्योंकि केसर बीज नहीं होता है, ये जो है पौधे की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। तो 72 का जो है बी गलत है। और आगे देखते हैं, और सी नंबर में अफीम की डुड्डी और सन तना, तो ये तीनों सही, ये आपका सी और डी सही है, बी वाला जो गलत है, तो बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। केसर के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रोन को क्रोकस के पुष्प के, सेफ्रोन क्रोकस एक पुष्प होता है जिसके पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त करते हैं। ये स्त्री भाग होता है, मतलब ये वर्तिका वर्तिकाग्र जो है पुष्प का स्त्री भाग होता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्रोकस
क्रोकस सटाइवस है, क्या नाम है, क्रोकस सटाइवस, जो कि इरिडेसी कुल का है। किस कुल का, इरिडेसी कुल का है। केसर फूल के स्त्री भाग से जो है प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाले पौधे हैं। ठीक है, केसर का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। केसर में जो है सेफ्रोनल सेफ्रोनल पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, केसर होता है सूखा मिश्रण। 73 का सी, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद भागों के में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अदरक प्रकंद है, ये सही है आपका। प्याज मांसल पर्ण, ये भी सही है। नारियल भ्रूण पोष, ये भी सही है। आलू जो कि मूल है, ये गलत है, क्योंकि आलू जो है आपका कंद होता है या रूपांतरित तना बोलते हैं उसको। आलू को कंद या रूपांतरित तना बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आलू मूल दे रहा है वो गलत है। सी। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो तना। निम्न में से कौन सा एक फल है, तो 76 का सी, भिंडी एक फल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर में। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सच्चा फल नहीं है सेब। देखिए सच्चा फल नहीं है सेब। सच्चा फल सेब को क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फल बनता है अंडाशय में कुछ और जो है भाग भी जो है इसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से ये सच्चा फल नहीं आता। देखिए जैसे फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जिसमें सेब भी आ जाता है, काजू आ जाता है, नाशपाती आ जाता है आदि। पादपी कली है, तो पादपी कली है। 78 का ये, भ्रूणीय टहनी। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो 79 का सी, क्वेकर्स पेड़ से जो है कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पति नाम क्वेकर्स सुबर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष की छाल से, जिसको क्वेकर सुबर के नाम से भी जाना जाता है। लहसुन में जो है गंध का कारण क्या है, तो लहसुन का गंध का कारण जो है सल्फर यौगिक। चलिए देखिए लहसुन के बारे में कुछ। लहसुन जो है एक अभिलाक्षणिक गंध होता है, गंध का कारण जो है सल्फर यौगिक है। क्या है, सल्फर यौगिक। गंध का जो कारण है आपका सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग देखते हैं, जो कि VVI है। देखिए लहसुन का उपयोग स्वेदजनक है, मूत्रवर्धक, अगर मूत्र का बीमारी है तो उसमें जो है लहसुन यूज कर सकते हैं, कफ का बीमारी है तो उसमें लहसुन यूज कर सकते हैं, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब समझते हो ना, अगर आप सुबह सुबह दो कली जो है अगर आप खाते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, अगर दो कली सुबह सुबह लहसुन का अगर आप खाते हैं कच्चा, तो आपका उत्तेजना जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और बहुत फायदेमंद करेगा। तो इसीलिए जो है लहसुन बहुत क्या बोलते हैं उसको, उत्तेजक का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, क्या निष्कासित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का बी, सल्फेनिक अम्ल। क्या निष्कासित करता है, सल्फेनिक अम्ल। तो प्याज जो है छिलके उतारते समय जो आंसू आता है सल्फेनिक है, यहाँ पे फोनिक भी दे रहा है, याद रखिएगा फे वाला रहता है, क्या वाला रहता है, फे वाला, सल्फेनिक अम्ल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो 82 के ये पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। पुष्प में पुंकेसर और स्थिकेसर दोनों मिलकर के प्रजनन भागों का निर्माण करता है।
स्त्री केसर जो है फीमेल हो गया, पुंकेसर केसर जो है मेल हो गया, तो ये दोनों मिलकर के प्रजनन भाग में निर्माण करते हैं। मिर्ची जो खाते हैं हम लोग, तो मिर्चाई के तीक्ष्णता का कारण, तीखा का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति जो है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। 83 का भी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C18H27NO3। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है कैप्सेसिन। 84 का भी अगला क्वेश्चन देखिए कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का सी, कोशित या प्यूपा। ठीक है, अगला देखिए कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या होते हैं? तो रेशम का कीट पनपता है शहतूत की पत्तियां पर, और रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब मोती कीट से थोड़े प्राप्त होगा, हीरा मोती कीट से प्राप्त होगा जी। 87 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा है या औषधीय फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं, घृत कुमारी या एलोवेरा। ठीक है, गन्ना और कपास जो है नकदी फसलें होती है, घृत कुमारी एलोवेरा एक औषधीय पौधा है, महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत में मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखिए, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप से, या सिंकोना का जो है छाल से भी प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, ठीक है, जो कि आवृतबीजी पादप से प्राप्त किया जाता है या पौधे की छाल से, सिंकोना नामक जो है पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग जोड़ों का दर्द, यानी जो जोड़ों का दर्द होता है आर्थराइटिस, उसमें यूज करता है, या प्रियोन से जो उत्पन्न रोगों में भी हम लोग यूज करते हैं। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, नब्बे के बीच सिंकोना के छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाती है, सिंकोना के छाल से। कुनैन सिंकोना पादप किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सिंकोना पौधे की छाल से, डी करेक्ट आंसर। मलेरिया निदान हेतु आर्थराइटिस नामक औषधि प्राप्त होती है, 93 के ये बीजीय पादप से। चौरानवे नंबर देखिए कि सिंकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त किया जाता है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया उसका नाम क्या है? तो मलेरिया के इलाज के लिए हम लोग जो सिंकोना के छाल का यूज करते थे, अब उसके जगह पे एक दवा आ गया है जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। क्या नाम है? क्लोरोक्वीन। 94 का भी, कोरोना रोगी के उपचार के लिए उपयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। देखिए कोरोना कोरोना हम लोग जो करते हैं ये 2016 में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, इनमें से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में मौत किया महत्व तो है? तो उसका नाम है आपका डायटम, शहतूत का फल है। 97 का ये सिरोसिस। नंबर क्वेश्चन है कि निम्न रेशे में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? क्या है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो ये जो है आपका ये सन, जूट, पटसन या कपास। तो 98 का करेक्ट आंसर है डी, कपास जो है नहीं होता है पौधे के तने का उत्पाद। सन, जूट, पटसन है लेकिन कपास नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका लेगियो मूल ग्रंथियों में। 99 का सी, लेग हीमोग्लोबिन जो है लेग्यूमिनोसी या फेबसी कुल के पौधे जैसे
अल्फाफा या सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो 100 का सी टिटिकल मानव निर्मित धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। सी नंबर ट्रिटिकल। देखो दो नंबर देखिए, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशेष प्रकार के तिलहन सरसों की किस्म को निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि इनके तेल में यूरेसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरियो का देखा जा सकता है, तो इसको हम लोग कंपाउंड खुदरबीन द्वारा देख सकते हैं। बी करेक्ट आंसर। स्पंजी टिश्यू ऊतक ऐसे गंभीर समस्या है जिसके कारण आम के जिस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है ये नंबर अल्फांसो। कुछ जीवाणु अपना संश्लेषित भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवण कहलाता है पाया जाता है। तो 105 नंबर में आपका कथन तो सही है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन जीवाणु जीवाणुओं में जो है हरा पदार्थ जो हरित लवक है कहलाता है वो पाया जाता है। तो हरित लवक नहीं पाया जाता भाई, हरित लवक क्या है कि नहीं पाया जाता है। तो कथन सही है यानी ए सही है, आर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए 106 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, तो ये जीवित और मृत्यु की सीमा रेखा पर होते हैं, यानी जीवित और मृत्यु दोनों के सीमा रेखा पर होते हैं। सही है, ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही है। ये फल देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, जिसमें से कोई भी सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जीवित और मृत्यु की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये तो एकदम गलत है। ठीक है, वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाले और फल देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आदि जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, और जीवाणु का अध्ययन जो है बैक्टेरियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि मरुस्थलीय पौधे का जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जल के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो कथन तो आपका सही है, कारण गलत है। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, परंतु आर गलत है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर की मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ठीक है, तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 109 नंबर में मरुस्थलीय में फ्रियोटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फुट मूसलाधार होती है। तो 109 का करेक्ट आंसर सी। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। मरुद्भिद कहा जाता है या जीरोफाइट कहा जाता है उसे। 110 का भी है। ठीक है, तो 111 नंबर देखिए कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मांसल मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। पौधे जो नमकीन युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहा जाता है। हेलोफाइटा कहा जाता है। लवण मृदुभित हेलोफाइटा उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, देखिए जेली रुदन का कारण अम्ल क्या दिखता है। सही है, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, जो कि गलत है। नमकीन पानी में उगाया गया पौधा का थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा नहीं हेलोफाइटा कहते हैं, ये भी गलत है। यानी 1-4 सही है। अगला देखिए, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो से 15 नंबर देखिए कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों के बालों से, हाइड्रोफाइटा कहते हैं। एक जलीय पौधे को कहा जाता है, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, जल का प्रकाश अपघटन का परिणाम देती है। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। स्वजीवी उत्पाद सही है, परोपजीवी उपभोक्ता ये भी सही है आपका, मृतोपजीवी विबंधक, लेकिन तृण पक्षी गौण उपभोक्ता बोल रहा है ये गलत है। देखिए उत्पादक स्वजीवी होते हैं, जो कि स्वजीवी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मिथेन को। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 121 का डी, वातक तंत्र से। सभी कीट में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि 122 का सी, तल के निकट जो है पानी नहीं जमता, जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। करेक्ट आंसर सी है। और मछलियाँ श्वास गिल फरों के द्वारा लेती है, गिल्स के द्वारा लेती है। मछलियाँ में समानता श्वसन होता है, 124 का सी, गिल फरों द्वारा। सेब के फल में लाली का क्या कारण है। तो सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। किरोटीन में जो है, गाजर में जो है लाली के कारण क्या होता है, किरोटीन। गाजर में किरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। ठीक है, यही पीले रंग का वर्णक जैसे जेनेथोफिल जो है हल्दी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जेनेथोफिल हल्दी में पाया जाता है। चुकंदर में क्या पाया जाता है, विटरनिन। तो याद रखिएगा चुकंदर में विटरनिन एकदम VVI। कैरोटीन में पाया जाता है गाजर, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन, और हल्दी में पाया जाता है जैंथोफिल हल्दी, जैंथोफिल हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट 126 नंबर में क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है। तो इसका कारण लाइकोपीन होता है 26 का भी। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है,
पीले रंग का कारण होता है कैरिका जैंथेंसी। अगला देखिए कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अंडमान द्वीप में खोजी गई है, 128 का यह। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी अमेरिकी भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कवक का। खमीर एक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक होता है। ईस्ट और मशरूम है, फंगी होता है, 131 का सी। ईस्ट और मशरूम जो है फंगी फफूंद अथवा कवक बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पन हरित रहित तथा समान ऊतक रहित, मतलब इसमें जो क्लोरोफिल नहीं होता है, समान ऊतक भी नहीं होता है, जो कि भोजन के दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मशरूम क्या है, कवक या फंगी है? नेक्स्ट 133 में ये बोल रहा है कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, कवक ही होता है, 133 का यह। कपास का प्रमुख घटक है, सेलुलोज, 134 का सी। देखिए कपास जो है प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज होता है। इसके अलावा जो है सूक्ष्म मात्रा में आपका वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्मा, खनिज लवण आदि पाए भी जाते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। बी करेक्ट आंसर कवक एवं शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है म्यूटियोलिज्म, जो कि बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम के प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सजीवी सचराचर है? तो शैवाल और कवक, 137 का भी। अगला है कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापिन आपका प्राप्त होता है पोस्ता पापी से। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। तो हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह क्या होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। तो हीरोइन जो है आपका अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर भी होता है जो कि अफीम पोस्ता के प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। मर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मर्फिन आपका फल से प्राप्त होता है। देखिए मर्फिन के बारे में, मर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम इसका होता है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। ये अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा आवृतबीजी पादप है जिसे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है, अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मार्फिन शब्द की उत्पत्ति जो है मार्फियस से हुई है। तो इसका उपयोग जो है दर्द निवारक औषधि तथा निर्दय कारक के रूप में किया जाता है। मार्फिन का सीधा प्रभाव जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पर जाता है। तो चलिए 141 नंबर देखते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से, जड़ों से, सूखी पत्तियों से, पके फल के लेटेक्स से। तो 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और अफीम के पौधे के जो है लेटेक्स को सुखा करके बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसमें कच्चे अपरिपक्व फल में जो है एक चीरा लगाया जाता है जिससे दूध निकलता है, और उसी दूध को जो है सूख जाता है तो उससे जो है अफीम प्राप्त हो जाता है। क्या होता है,
कि जो अधपके यानी कच्चे जो फल होते हैं आपका अपरिपक्व फल होते हैं उसमें चीरा लगा देते हैं। फल में क्या किया, चीरा लगा दिया। अब चीरा लगा दिया तो इससे जो दूध निकला उसी को सुखा करके जो है आपका अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है 143 के मॉर्फिन। अफीम से जो है अनेक एल्कलॉयड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपरवीन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला देखिए कि अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो पैपेवर सोमनीफेरम नाम होता है अफीम का वनस्पतिक नाम है 44 का पेड़। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका के बारे में।